तो कैसे हैं आप? आइए आज आपसे बात करते हैं। आज शाम के वक्त टहलते हुए यहाँ एक जगह बैठा हूँ और कुछ बातें याद आ रही हैं। और आजकल का जमाना भी ना कितना एकदम भाग दौड़ भरी जिंदगी जी रहा है, और इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर एक व्यक्ति अपने लिए और अपने घर के लिए कितना मुश्किल से समय निकाल पा रहा है। और कुछ लोग तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें खुद के लिए वक्त निकालना मुश्किल पड़ रहा है। और बदलते हुए वक्त में सबसे बड़ा अगर हम बदलाव देख सकते हैं तो व्यवहारिक बदलाव बहुत ज़्यादा बदल गया है। पहले के ज़माने में एक दूसरे से जब खुल के बात करते थे, समय देते थे, प्यार दिखता था, आजकल के जमाने में एक बहुत अच्छी लाइन है कि पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, आजकल के दुनिया का यही है कारोबार। तो बात तो बिल्कुल सच है कि पहले के जमाने का जो लोगों का बात करना, लोगों पे विश्वास करना, मतलब अपना स्वार्थ नहीं देखते थे। अगर आपके साथ बैठे हुए हैं तो वो जो खुशियां रहती थी वो अनमोल रहती थी। लेकिन आज के इस बदलते युग, बदलते हुए जमाने की सच्चाई यही है कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब अपने आप को समय नहीं दे पा रहा है, और जब आपको समय दे रहा है, आपके काम में आपका साथ दे रहा है, तो बहुत ही कम ऐसे रिश्ते रह गए हैं जो सच में साथ देते हैं। वरना बात भी बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान का स्वार्थ छुपा होता है। कभी ये मत सोचना कि अच्छा वक्त हमेशा अच्छा रहता है। अच्छे वक्त पे कभी भी अपने आप पे घमंड मत लाना, क्योंकि किसी ने क्या खूब कहा है कि व्यक्ति वही अच्छा है जिसका समय श्रेष्ठ हो, तो वो उछले नहीं और बुरे वक्त पर फिसले नहीं। कहने का मतलब यह है कि जब इंसान का अच्छा वक्त चलता है ना, तो उसे अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, उसे घमंड भरी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती हैं। और जब बुरा वक्त होता है इंसान का, तो हो सकता है उसकी मदद करिए, लेकिन आप अपनी मेहनत से आप अपना बुरा वक्त बदल सकते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि सब्र कर बंदे, मुसीबत के दिन गुजर जाएंगे, और जो तुझे आज देख के हंसते हैं, कल वो तुझे देखते रह जाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत से इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। बस टहलते टहलते कुछ पॉजिटिव एनर्जी है जो हमने आपको बयां कर दी। ये प्राकृतिक गांव का नजारा है, ये चारों ओर सुंदरता, ये हरे भरे वृक्ष और ये आम का खिलखिलाता हुआ जो पेड़ है। बस अभी यहीं पे बैठे तो हमने कहा कि कुछ बातें आपसे कर ली जाएं। खैर, कैसे हैं आप सभी, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।